इतने टाइम के बाद मैं सीजन गुरुद्वारे आया हूँ और ये जो नया एलिवेशन रोड बना है यहाँ पे, इसकी हालत दिखाता हूँ आपको। वैसे तो बेसिकली मैं उठता हूँ 6:30 बजे तक, दुकान पे जाना होता है, पर अभी दुकान वाइंड अप कर दिए तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जल्दी क्यों उठ गया। जल्दी मतलब देखो अभी सिर्फ 5:17 हुए हैं, देखो 5:17 हुए, जल्दी क्यों उठ गया बताता हूँ। पहले जरा तैयार हो जाओ, नहा धो के आया हूँ, जरा कपड़े पहन के फिर बात करता हूँ। जी हो गए रेडी हम, तो पहले तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा सारिआं दा यूट्यूब चैनल वेजी ब्रदर्स विच। उम्मीद करते हैं जी तुसीं वधिया होवोगे। सोच रहे होंगे ना कि आज जल्दी कैसे रेडी हो गया। सो एक्चुअली बात ऐसी है कि मम्मी पापा रोज आजकल ना सुबह उठ के गुरुद्वारा सीज के साथ जाते हैं मत्था टेकने के लिए मासी मासड़ जी के साथ। तो मैंने कहा भाई शॉप वाइंड अप कर दी है, सुबह मेरे को जाना तो होता नहीं, दूध का काम है नहीं कुछ, तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी चल लेता हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैं भी गुरुद्वारा सीज के साथ नहीं गया, और गुरुद्वारा बंगला साहब भी मैं नहीं गया हूँ बहुत दिन हो गए। कोविड चल रहा था इस वजह से हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे ज़्यादातर, तो अभी फिलहाल थोड़ा सा माहौल ठीक ठाक है। तो मम्मी पापा रोज जा रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी चल लेता हूँ, और इसी बहाने जल्दी भी उठने का रूटीन अपना कंटिन्यू रहेगा और मत्था टेकाएंगे। चलते हैं गुरुद्वारा साहब दर्शन करवाते हैं, आप लोगों को भी जितना हो सकता है उतना मैं रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि मेरे को आदत नहीं ऐसे कभी कहीं जाके शूट करने की, और वैसे भी गुरुद्वारे में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड होती नहीं है, तो इसलिए देखता हूँ जितना अगर मैं शूट कर सकूँ उतना शूट करूँगा। बाकी चलते हैं देखते हैं। इतने टाइम के बाद मैं सीजन गुरुद्वारे आया हूँ और ये जो नया एलिवेशन रोड बना है यहाँ पे, इसकी हालत दिखाता हूँ आपको। देखो इस रोड पे पार्किंग अलाउड नहीं थी, फिर भी यहाँ पे इतनी पार्किंग है, और जो होमलेस लोग हैं ये देखो यहाँ पे पूरे फुटपाथ पे जितने भी होमलेस लोग हैं वो सब यहाँ सो रहे हैं, और पार्किंग पूरी बनी हुई है। मतलब हिंदुस्तान में कोई अच्छी चीज़ रहने ही नहीं देते।
क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हम तो भाई ये सोच कर आए थे कि बहुत बढ़िया सड़क बनी होगी, अच्छी खासी एकदम पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनी होगी, लेकिन यहाँ के देखा तो चलते हैं घर। सुबह तो गुरुद्वारे से आके मैं सो गया था, आके सो के उठ के फिर चला गया मैं झील, झील से सामान लेकर आना था। वहाँ मिल गए हमें हमारे सरदार जी शोरमा वाले, और वो आज की डेट में ऐसे सेलिब्रिटी बने हुए हैं कि मतलब लोग आके बोलते हैं कि भाई साहब आप वही सरदार जी शोरमा वाले। पहले तो मैं उनसे बात कर रहा था तो एक बंदा आया वहां से दूर से, कह रहा सरदार जी शोरमा वाले। मैंने कहा शायद एड्रेस पूछ रहा होगा, तो मैंने कहा कि ये यही है भाई, कहाँ जाना है इनके पास। तो वो कह रहा हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि सरदार जी शोरमा वाले ये तो पूरी दिल्ली में छाए हुए हैं, इनके इनसे बढ़िया शोरमा कोई देता ही नहीं है। मतलब बात है वैसे, हम भी जब उनका स्पेशल शोरमा खाते हैं ना, जब स्पेशल सरदार जी स्पेशल शोरमा खाते हैं जब उनका, तो मतलब वो इतना माल भर के देते हैं उसमें, ये साइज होता है शोरमे का, उनके रोल का। मतलब वो जिस रोटी में वो लपेटते हैं ना, जिस रैप के अंदर वो लपेटते हैं, वो छोटी पड़ जाती है, इतना माल वो भर के देते हैं, मस्त एकदम। दूसरी बात ये कह रहा था कि सुबह जो हाल देखा आपने चांदनी चौक का, अभी 6 महीने भी नहीं उस चीज को बने हुए, उस सड़क को बने हुए, और क्या हालत कर रखी है वहाँ के लोगों ने। मतलब झिल्ली वाले रेडी वाले जितने भी है वहाँ पे, सबने क्या बुरा हाल किया हुआ देख लो। जो मतलब होमलेस लोग होते हैं, जितने भी घर नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, वो सब वहाँ सड़क पे बैठ सो रहे हैं। सरकार को वैसे इनके लिए भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए कि इनको होम शेल्टर देना चाहिए। मेरे ख्याल से होते होंगे लेकिन ये लोग जाते भी नहीं है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जाते नहीं है, सड़क पे जगह जगह थूक रखा है, मतलब गाड़ियां चल रही हैं। अगर चलान करना है तो ये पुलिस वाले क्या करते हैं, 9 बजे के बाद आके चलान करते हैं। सुबह 9 बजे से पहले कोई चलान नहीं, कोई क्योंकि मार्केट नहीं खुली होती उस टाइम पे। ऐसे हालात हो रखे हैं उस जगह के, इतनी बढ़िया इतनी साफ सुथरी अच्छी रोड बनी है गुरुद्वारे के सामने, वो लाल किला से लेके जहाँ लाल किला शुरू होता है वहां से लेके गुरुद्वारे तक वो रोड इतनी बढ़िया लगती है दिखने में। चारों तरफ पेड़ है, पेड़ भी ऐसे सूख के मरे पड़े हैं एकदम, कोई पानी देने वाला नहीं, देखने वाला नहीं है। क्या ही हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। कई दिनों से देख रहे होंगे ना बैंड नहीं पहना हुआ, तो बताता हूँ क्या हुआ इसके साथ। बैंड जो मेरा ओरिजिनल था उसका ये टूट गया था पहले ही, MI बैंड 3 है ये। इस वाले का सेम स्ट्रैप से ये वाला ये टूट गया, देख रहे हो। इसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो इतनी छुटकी सी डब्बी है, पता नहीं इसमें कुछ है भी कि नहीं, खाली लग रहा है एकदम, ये तो फुल फुल सा। स्वीट कॉर्न, ये जो बाजार में मिलते हैं ना 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए के छोटे छोटे से कप, इतने इतने से चाय वाले कप में, उसके अंदर ये देख लो कितने रुपए का पैकेट होगा, 20 रुपए का पैकेट है एक्ट 2 का, और एक पैकेट में मतलब इतने बन जाते हैं कि हम 2 लोग आराम से झक के खा लेते हैं। मस्त बने एकदम मस्त जबरदस्त। व्लॉग का एंड यहीं कर दिया जाए क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। कल करेंगे अनबॉक्सिंग उस MI बैंड 3 की, और आंखों में नींद चढ़ी हुई, सुबह जल्दी उठा था और कल फिर जल्दी उठना है। अब मैं सोच रहा हूँ कंटिन्यू करूँ जब तक कर सकता हूँ गुरुद्वारे जाने के लिए। तो मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड।